स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो रोजाने की तरह इस शाम भी आपके लिए जीएस सेट प्रैक्टिस लेकर आ गए हैं। श्रृंखला नंबर यह 17 है जी हाँ दोस्तों। और इस सेट ये सारे सेट को ज्वाइन करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं वन बाय वन करके। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे प्रश्न का जवाब आज मैं दे दूंगा लास्ट में, और आज के क्वेश्चन ऑफ द प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इंद्राणी रहमान की शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को आप दोबारा तिबारा पढ़ सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। ऑप्शन चार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे और इन चारों में से एक ही सही उत्तर होगा जो कि आपको बताना है। तो बता दें कि इंद्राणी रहमान की शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है, तो यह ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आप सही सेलेक्ट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन दो का ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 5। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमें मूल अधिकार 5 प्राप्त है। ठीक है, 2 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था ये बताना है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1955 में, 1950 में, 1952 में और 1954 में। तो बता दें कि क्वेश्चन 3 का सी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1952 में, 1952 में जो है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 1952, 2 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। विधान परिषद के उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम कितने आवश्यक आयु चाहिए होते हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 एज चाहिए, न्यूनतम एज विधान परिषद के उम्मीदवार बनने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप उत्तर बताएंगे अपने अपने कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बता दूं मैं तो ऑप्शन नंबर डी, लॉकजा। जी हाँ दोस्तों, लॉकजा ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉकजा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर देना है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी वैगवेरल। रेडियो धर्मिता का आविष्कार जो है हेनरी वैगवेरल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी ध्यान देंगे, देखो बता दूं मैं आप सभी को कि आपके जो सिलेबस है पुराने प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं के उससे पूरा डिफरेंट इस बार का सिलेबस है। तो जो भी सिलेबस है उसके अनुरूप ही आप लोग का सेट कराया जाता है। ठीक है, तो जीएस के 30 प्रश्न रोज़ाना आपको शाम के 7 बजे मिल जाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और जो जोड़ने का भी कोशिश करें, अपने साथियों को भी भेजें, शेयर करें ये सब लिंक, ये वीडियो का लिंक। ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा आप लोग इकट्ठे होंगे उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आएगा आपका सेट प्रैक्टिस कराने में। और बता दूं कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट मतलब डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, तब से जो है आपके लिए जो 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके अनुरूप जो है 75 क्वेश्चन का हर रोज़ आपका सेट प्रैक्टिस लिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वो मेरा वादा है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, ये सब जो भी वीडियो आ रहा है ये सब मुफ्त में है, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं, एकदम मुफ्त में है। बस इसके बदले आप एक कोशिश करेंगे कि लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप प्रश्न को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है। ठीक है,
पानी में घुलनशील होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है, 8 का सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन प्रश्न के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। तो बता दूं कि 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काजीरंगा। काजीरंगा जो है, बता दें कि भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है, तो काजीरंगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? 9 का आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? चार ऑप्शन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हो, बता दूँ अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो 9 का बी सही उत्तर हो जाएगा, नील सर्क, ये स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10, जब एक फुलाया हुआ टायर फट जाता है तो बाहर निकलने वाली हवा होती है, ठीक है, दैनिक जीवन में भी आप लोग ने यह इसका अनुभव किया होगा, जब एक फुलाया हुआ टायर फट जाता है जैसे साइकिल का ही, ठीक है, या फिर बाइक का, तो बाहर निकलने वाली गैस कैसी होती है ये बताना है। 10 नंबर बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आई होप इसका उत्तर आपको आज मिल जाएगा, अगर मालूम नहीं है तो बता दें कि ये जो है ठंडी होती है, ठीक है, ये जो हवाएं होती है ये ठंडी होती है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगर कभी भी आपकी साइकिल या बाइक के जो टायर फटेंगे तो आप उस समय अनुभव कर सकते हैं। अगले प्रश्न है 11 नंबर। 11 प्रश्न क्या है कि दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान होती है, समान गतिज ऊर्जा रख रहे हैं, ठीक है, और दो असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं तो क्या है, तो भारी द्रव्यमान होती है, कैसा होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर देना है तो बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिक संवेग वाली भारी होती है, ठीक है, तो भारी द्रव्यमान में होती है, अधिक संवेग होती है, जिस भी वस्तु में अधिक द्रव्यमान होता है वह अधिक संवेग वाला होता है। आई थिंक स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है 12 नंबर। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पर होगा, ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका अगर धरती पे जो वेट है उसके अनुसार चंद्रमा पे अगर जाएंगे तो आपका वहाँ पे वेट कितना होगा, तो 12 का सही उत्तर देना है तो बता दूँ कि चंद्रमा पे जाने पे 1/6 हो जाता है, ठीक है, जो भी आपका भार पृथ्वी पे है उसका 1/6 हो जाता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 न्यूटन 12 हो जाएगा, 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 100 न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संवेग किसका एक माप है ये बताना है आपको, संवेग जो है किसका माप है। 13 का सही बताना है आपको उत्तर तो बता दें कि संवेग जो है गति की मात्रा का माप है, ठीक है, ये मेजरमेंट है, गति की मात्रा का मेजरमेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज के सेट में अधिकतम जो क्वेश्चन है अधिकतर ये साइंस से लिया गया है, ठीक है, तो आज जो है आप लोग जो है थोड़े से चौकन्ने होकर इस सेट के सॉल्व करेंगे, सेट के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी से ये सेट के सभी प्रश्न जो है ईजी पूर्वक सॉल्व हो जाए। अगर नहीं भी होते हैं, जो भी आपका गलत होता है, रॉन्ग होता है, जिस प्रश्न का सही आपका उत्तर, तो आप उसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लें और उसको बार बार रिपीट करें ताकि याद ही हो जाए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज की एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 14 का सही उत्तर बताना है, बता दूँ कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज का एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। 14 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 15 नंबर। 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 15 नंबर। 1 किलोबाइट अगर मोबाइल यूज करते हैं तो इतना पता होना चाहिए कि 1 KB, KB इसका जो है एक्सपेंड फॉर्म है किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1024 बाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? इन चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर ढूंढना है
और अपने अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। देखिए, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और जितने अधिक मात्रा में आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है। और बता दूं कि अमीन से रिलेटेड हर अपडेट आपको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और आपके सहयोग से, ठीक है, अगर किसी तरह का आपको सहयोग चाहिए होगा अमीन एग्ज़ाम रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कह सकते हैं, आपके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे, इसलिए आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में जोड़ सकते हैं जोड़ लें। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए, पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नहीं है, तो पोरीफेरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 17, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो बता दो कि 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, ए एस्ट्रोजन। 17 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो बता दूं कि 80 नंबर का सही उत्तर बताना है आप सभी को, थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि एक ही पेज में आपको दिखाई दे। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इस 80 नंबर के उत्तर बताने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसके अनुरूप ढाल सकूँ और आपके हित में जो भी हो सके उसको पूरा कर सको, ठीक है। तो जो भी फीडबैक होगा, जो भी कमी लगेगा, वो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से बहुत सारे यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन क्या है, कार्बन को, कार्बन का संकेत सी है और हाइड्रोजन का एच है, ठीक है। अब बता दें कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है ना, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं, इतना ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 19 जो है हर किसी को पता होना चाहिए, तो बता दूं कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद, या फिर मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। तो क्रोमोजोम्स, ठीक है, तो 23 जुड़ो होते हैं क्रोमोजोम्स। 19 का सही उत्तर हो जाएगा, बता दें कि सही है, ठीक है, कि किताब के अनुसार ये सही है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 23 जुड़ो होता है, आपको पता होना चाहिए 23 जुड़ो होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है, श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है, ये बताना है। 20 का सही उत्तर बताना है आपको, आवश्यक भाग नहीं है, तो बता दूं कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लीवर जो है श्वसन का आवश्यक भाग नहीं है, तो 20 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आज का 21 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। आई थिंक इसका भी जवाब आप सभी को मालूम होगा, इस ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार हर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा फीमर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहलाती है, जी हाँ दोस्तों, अभी कंटेस्ट कर ले, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा छोटा कर दूँ। अगले प्रश्न है 22 नंबर, किसी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को और क्वेश्चन के साथ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो बता दो कि 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्लाज्मा झिल्ली इज द राइट आंसर। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली जो है प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है। 23, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है, ये बताना है, तो बता दो कि 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होता है, तो 23 का बी सही उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है, स्टेम ब्लीडिंग।
24, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? तो 20C का सही उत्तर हो जाएगा, कवक के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग जो है कवक के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, ये बताना है। 25, बैटरी के धनात्मक ध्रुव जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड कहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पता था तो ये आप कंठस्थ कर ले सकते हैं, ये एनोड का परिभाषा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? ठीक है, 26 बता दें कि 26 का सही उत्तर आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 20C में 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स गैस के नाम से जो है मीथेन गैस जानी जाती है, मीथेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। 27 का सही उत्तर बताना है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, नो डाउन कर लेंगे ये, अगर नहीं मालूम होगा तो आज आपको मालूम चल गया। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं, किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो ये भी बहुत ही आसान है, आई थिंक कि पिछले सेट में मैंने पूछा था। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का सही उत्तर देना है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ये बताना है। 29, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़े को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, फेफड़े को। चलिए, 29 का सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न क्या है। कांसा एक मिश्र धातु है ये बताना है, ये किसका मिश्र धातु है, किसके द्वारा बनाया जाता है कांसा? तो 30 का सही उत्तर बताना है, चार ऑप्शन है, जास्ता तथा टीन, तांबा तथा टीन, तांबा तथा सीसा और तांबा तथा लोहा। तो बता दो कि 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, तांबा तथा टीन के का मिश्र धातु है कांसा, इन दोनों के मिश्रण से जो है कांसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। 30 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी ही पूछा जाता है अब लोगों से, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहे ताकि मैं हमेशा कुछ न कुछ नया प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज के प्रश्न को देखते हैं, कल के प्रश्न को भी देखेंगे और उसका जवाब भी जानेंगे। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है ये बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 45 मिनट की होती है, 60 मिनट की होती है, 70 मिनट की होती है, 80 मिनट की होती है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, QTD है। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न को देखते हैं। चलिए, कल के प्रश्न जो थे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये बताना था आपको। चार ऑप्शन दिए गए थे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो जो है नदियों द्वारा बनाया गया मिट्टी का नाम बताना है। तो एक चीज़ देख लीजिए, जलोढ़ है ना, ऑप्शन सी। तो जलोढ़ मिट्टी अगर इसका आप संधि करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसका अर्थ पता चलेगा कि जल द्वारा ढोया हुआ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जल द्वारा निर्मित यही मिट्टी हो सकता है, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छात्रों द्वारा सही उत्तर दिया गया है, सभी को बधाई। और इसी तरह आप हर रोज़ ज्वाइन करते रहें हमारे सेट को, और इस सेट उम्मीद करते हैं कि आपके सारे एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप जाते जाते आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और उनको इस वीडियो का और इन सेट का लाभ ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वो भी अपने एग्ज़ाम में अव्वल करना चाहते हैं और सक्सेस करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।